लास्ट ईयर का जो लॉजिक गेट का क्वेश्चन था उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के किया था, लेकिन इस बार का नीट क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन फिर भी अब लास्ट ईयर का सॉल्व किया था तो इस बार का भी कर देते हैं, क्योंकि एक लॉजिक गेट का एक मैंने लेक्चर भी बनाया हुआ है, उसका लिंक हम नीचे डाल देंगे, उसको आप पढ़ लीजिएगा। और लॉजिक गेट का जनरली काफी आसान रहता है, आप इसको बस कर लीजिए और खूब सारे क्वेश्चन कर लीजिए, सिंपलर भी टफर भी, जिससे कि सारे गेट्स वगैरह आपके माइंड में बैठ जाए। इसमें आपको ये एक गेट्स का कॉम्बिनेशन बना दिया है और इसका हमको ट्रूथ टेबल निकालना है और ट्रूथ टेबल को मैच करा देना है। तो ट्रूथ टेबल में बड़ा सिंपल सा है, इसमें ए बी इनकी वैल्यू दे रहेंगे, इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यू है, ए की 0 और ए भी 0 और बी भी 0, या फिर ए 0 और बी 1, या फिर ए 1 और बी 0 और फाइनली दोनों 1 1। और इस केस में आउटपुट जो वाई है उसकी क्या वैल्यू है ये निकालना है। तो एक एक करके स्टार्ट कर देते हैं और फिर जो वैल्यू आएगी है उससे हम मैच करा लेंगे। तो जब ए 0 होगा यहाँ पर और बी 0 होगा तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ये सिंपल सा नॉट गेट है। अब ए 1 है और बी 1 है, यहाँ पर इनपुट 1 है, यहाँ पे इनपुट 1 है, तो 1 और 1 1, और फिर उसके बाद से ये इसका नॉट लगा हुआ है, नॉट साइन, तो उसका इनवर्स वाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा वाई 0। अब ये दोनों केसेस जो है सिमेट्रिकल है, तो जो इसका आंसर आएगा वही इसका भी आंसर आएगा, ये चीज आपको हमेशा ख्याल में रखना है। तो ए मान लिया 1 है, या ए को 0 मान लेते हैं, बी को अब 1 कर दिया, तो एक यहाँ पे इसका 0 का उल्टा 1 और ये 1 का उल्टा 0, तो 1 और 0 ये 1 होगा और 1 का उल्टा यहाँ पे 0 आएगा और ये भी 0 आ जाएगा बाई सिमेट्री। इस तरह की ये सिमेट्री चीजें आपको माइंड में रखनी है। इसको और भी थोड़ा सा फास्टर कर सकते थे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंट्यूटिवली ये मालूम चल गया कि दोनों में से कोई भी एक 1 होगा तो उसका आंसर उसका जो और है वो 1 आना चाहिए, इसका मतलब इनपे से कोई भी अगर 0 हो तो सबका आंसर एक ही होगा, तो इन तीनों का आंसर एक आएगा। अब 1 1 का क्या होगा, वन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका ऑब्वियसली इसका आंसर जो है इन तीनों से अलग होगा, तो बिना देखे भी हम लिख सकते हैं 1 है, पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, 0 और 0 0 और फिर उसका 1, ये हमारा आंसर आने वाला है। अलग अलग कोड के हिसाब से अलग अलग इसके आंसर होंगे। तो आप लोग तो इसका मेरा नीचे वीडियो लेक्चर है लॉजिक गेट का, उसको पूरा देख लिया और खूब सारे क्वेश्चन कर लीजिए लॉजिक गेट के जितने भी हैं, तो अगले साल आपके लिए ये फिट बैठेगा।